स्पीक यू कांट गेट ईच अदर देन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बहु पार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने दो तीन मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो एक्स है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता कानून में। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते, बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए, और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। ये सब सवाल जो हमने आज उठाया चुनाव आयोग से, ये सब सवाल जो उठाया गया चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, ये हमारा अनुभव है। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को, वो जब भी कुछ मांगते हैं इस रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। अब ये एक संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाते हैं। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइन में उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको रेखांकित करके बता दूँ। मुख्य जो इश्यूज है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर वन,
सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स थ्रू ए सीसीटीवी मॉनिटर्ड कॉरिडोर। कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते हैं, मतलब ये सब जो है दिस शुड बी थ्रू ए सीसीटीवी मॉनिटर्ड कॉरिडोर। नंबर टू, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स। ये वेरिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो 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 वहाँ से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज़ टू बी कन्फर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना ज़रूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारे चीज़ें जो होती है जब आपका ईवीएम सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रीकन्फर्म करना कभी होता नहीं, दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड। तो इस तरीके से हमने यही कहा था कि दी कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, नंबर ऑफ पार्टीज आर पार्टिसिपेटिंग। आइए सीधा सरवान आओ, आइए सब आ गए, आइए आइए यादव साहब, आइए इधर आइए, आप इधर आइए ना यादव साहब, इस तरह आइए। अच्छा दोस्तों, जरा शांत हो जाएं, जल्दी हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा। मैं बहुत संक्षेप में हिंदी में बोलूँगा, फिर इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद मेरे कॉलीग जो भी ऐड करना चाहेंगे। दो ही मुद्दे हैं, अब जरा शांत हो जाएं, एक साथ करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, एक मिनट, इफ़ यू स्पीक यू कांट गेट ईच अदर देन। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बहु पार्टी डेलीगेशन, जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने दो तीन मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो एक्स है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2x या 3x होते हैं, यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा
स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है वो नहीं किया जा सकता, कानून में गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है, इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते, बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए, और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। ये सब सवाल जो हमने आज